आप सभी, आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत खुशमिजाज अंदाज में हो। वेलकम टू माय चैनल। और आज है रामनवमी, तो रामनवमी की सबके घर में बहुत अच्छी तैयारियां चल रही होंगी, सबके यहाँ खीर पूरी बन रही होगी। तो बस मैं अभी नहा कर आई हूँ और पूजा करके निपटी हूँ, तो अब मैं भी जा रही हूँ खीर पूरी बनाने के लिए। सब लोगों के यहाँ ना बनना चालू हो गई होंगी और मेरे यहाँ तो अभी बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो मैं अभी नहा कर आई हूँ, मैंने झाड़ू पोछा किया है, कपड़ा वपड़ा जो धुलना था वो धोई, और अभी जाऊँगी किचन में, काम करूँगी मतलब, तो खाना बनाऊँगी। और मैं पूजा करके आई हूँ, तो पूजा का तो अभी कितना कोई टेंशन नहीं कि लेट हो जाएगा करके, तो पूजा तो मैंने कर दी है। अब मैं जाऊँगी सीधा किचन में और खाना बनाऊँगी, और खाने में आज जो बनाऊंगी वो तो आपके साथ शेयर कर ही दूंगी। वैसे मैं आज आलू की सब्जी बनाऊंगी और पूरी बनाऊंगी और खीर बनाऊंगी। वैसे भी सबके यहाँ यही सारी चीज़ें बनने वाली है, तो कुछ नया तो है नहीं है इसमें, कुछ नया बनाने वाली हूँ। तो सिंपल सा ही खाना बनने वाला है मतलब, तो खाया जाएगा। और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा आ गई है ना कि मतलब ये सब भी खाने का मन तो नहीं होगा, बट आज थोड़ा सा मन कर रहा है ना कि त्यौहार है तो कुछ बना लिया जाए, तो बस इसीलिए सब चीज़ें बना रही हूँ मैं। और तो चलो फटाफट से अपन चलते हैं किचन में, कुछ खाना बना लिया जाए, खा पी लिया जाए, उसके बाद आगे की बातें तो अपन करते रहेंगे। तो चलो फटाफट चलते हैं किचन में और फिर काम कर लेते, खाना वाना बना लेते, फिर आराम से आप लोगों से बातें करेंगे। पर मैं आ चुकी हूँ किचन में, और अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो अब मुझे फटाफट से सारे काम करने। और वैसे तो मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, तो मेरे सारे काम हो ही चुके हैं, बस खाना बनाना है और भोग लगाना और खुद खाना है और कुछ नहीं, क्योंकि आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी ना। वैसे तो मुझे पता था कि जल्दी जल्दी से उठ के सारे काम कर लूँगी ना, तो टाइम पे खाना भी बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे सारे काम टाइम पे ही हो गए थे, क्योंकि आज सबसे पहले उठी, झाड़ू पोछा की और फिर खुद नहाई, घर को पूरा साफ़ करने के बाद खुद नहाने गई, और फिर मैंने कपड़े वपड़े जो धुलने थे वो धोई, फिर आके मंदिर वगैरह साफ़ किया, पूजा पाठ की, और अब मैं आई हूँ सीधे किचन में। तो अब मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मैं भोग नहीं लगाई थी, पूजा वगैरह तो मैं कर दी थी, क्योंकि खाना नहीं बनाई थी सुबह से। तो मैं सोची नहा धो लूँगी, पूजा कर दूँगी, उसके बाद भोग लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर अब मैं खाना बना ले रही हूँ, मतलब बनता तो वही सभी लोगों के घर में कॉमन ही है ना, आज पूड़ी सब्जी खीर, तो मतलब यही सब बनने वाला है। तो मैं अभी वही बना रही हूँ, वैसे भी हम दो ही लोग रहते तो ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ बनाना नहीं, थोड़ा थोड़ा सी क्वांटिटी में बनाना है, पर बनाना तो सब कुछ ही पड़ेगा, मतलब जो पूजा में लगाना है वो सारी चीज़ें बनेगी, पर थोड़ा थोड़ा सा ही बनाऊंगी, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ। और मैं नहाने जाने के टाइम पे, नहाने जाने से पहले ही ना मैं आलू चढ़ाकर चली गई थी कि मैं जब तक नहा कर आऊँगी तो आलू भी ठंडे हो जाएंगे, तो मेरा एक काम ये हो जाएगा कि चलो टाइम पे हो जाएगा। तो मेरे आलू भी अच्छे से बॉयल हो गए थे और ठंडे भी हो गए थे, तो मैं सिंपल सी सब्जी मैं छोका लगा देती हूँ, आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने मेरे आलू भी अच्छे से हो गए थे, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और बस मैं अभी इसके बाद पूड़ी और खीर बनानी है, तो वो भी कर लूँगी। और देखो ना, मतलब त्यौहार होते तो इतनी जल्दी रहती ना हर काम की, कि टाइम पर सारे काम होने चाहिए, तो बस टाइम पर ही मैं करने का कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए। वैसे तो हो गए थे, कोई ज़्यादा लेट लतीफ़ नहीं हुए थे, जल्दी सारे काम हो गए थे, कोई ऐसा लेट नहीं हुई थी मैं। तो यहाँ पर मेरी खीर भी बनकर रेडी हो चुकी, और आज जो मैंने खीर बनाई है ना वो मैंने मिल्क मेड में बनाई है, तो मतलब मुझे शुगर थोड़ी सी ऊपर से डालनी थी, क्योंकि इसको टेस्ट तो कर ही नहीं सकते थे। अब जैसा भी खाना बनाया भोग तो लगाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ लगेगा तो अपन ऐड ऑन कर सकते हैं, बाकी भगवान जी का खाना झूठा नहीं करते ना। तो मैंने टेस्ट वगैरह नहीं किया था, बाकी अच्छी बनी थी ऐसा कहूँगी मैं आप लोगों से, इतना गंदा भी नहीं बना था, अच्छा बना था खाना। और यहाँ पर मैं पूड़ियाँ भी तल ले रही हूँ, और ज़्यादा नहीं बनानी है, 7-8 ही पूड़ी बनानी है, क्योंकि ये सब भी रहेगा ना, इतना सामान तो खाते नहीं बनेगा, और गर्मियाँ भी आ गई ना, तो ऑयली ज़्यादा कोई खाएगा नहीं, मतलब हम दोनों तो ज़्यादा ऑयली खाते नहीं हैं अभी गर्मी में की वजह से। तो और मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि भोग की थाली लगाऊँगी ना, तब बताऊँगी कि मैंने क्या क्या बनाया हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, वही सब सबके घरों में जो बन रहा है वही बनाया, पर मैं अपने तरीके से बता दूँगी कि मैंने क्या क्या बनाया हुआ है। और मतलब एक खुशी होती है ना त्यौहार के दिन, तो बस वही सब रहता है। और आज तो मतलब इतना मज़ा आ रहा था ना कि चलो चलो जल्दी जल्दी सारे काम भी हो जाएंगे, खाना भी बन जाएगा, तो आज कोई टेंशन ही नहीं थे, सब काम जल्दी जल्दी से हो गए थे। तो अब मैं ना आप लोगों को भोग की थाली भी दिखा देती हूँ। तो ये रही मेरी भोग की थाली, और पूड़ी बनाई है, सब्जी और खीर रखी हुई है। अभी शाम हो चुकी है, और ना अभी हम लोग खाना खाने के बाद ना मैंने कैमरा नहीं उठाया था, और इनको देखो ये क्या लेकर आ रहे हैं। इनको बोला कि जूस बना दो मेरे को, तो मैंने बोले कि ठीक है ऑरेंज छील दो मैं बना दूंगी। तो इनको बोला ना तो ये पूरा बोरिया बिस्तर उठा के लेकर आ गए, और ये देखो भयंकर बिल्कुल वाले सारे ढूंढ ढांड रहे कि कहाँ रखे ऑरेंज, तो मुझे दिखाने के लिए आ लिया।
और इसको एज इट इज यही रख के चले गए कि अब उसको मुझे ही समेटना है। मतलब एक कोई काम बता दो ना तो वो क्या अच्छे से हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अच्छे से हो जाए। मतलब एक काम दोगे ना तो आपको दो काम खुद करने पड़ते हैं। बस अपने आप में ये खुशी होती है ना कि चलो एक काम दे दिया और एक काम कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक काम और बढ़ा के गया, अभी इसको मुझे उठा के वापस रखना है, तो मैं इसको रखूंगी। और ना ये मैंने न्यू लिप बाम निकाला था ना, उसका रैपर है, मैं उसको फेंकने जा रही थी। मैं भी रेडी हो रही थी ना, मतलब रेडी क्या हो रही थी, मतलब मुँह हाथ धोया था, थोड़ा सा ऐसी कंगी वंगी कर रही थी। देखो आज मेरे बाल में मैंने ना कंडीशनर नहीं किया, तो ऐसे उधड़े चमन वाले जो बाल होते हैं ना वैसे होते जा रहे हैं। और बस आज तो बस खाना खाने के बाद ना मैं मतलब आप लोगों से बात करूंगी सोच रही थी, पर खाना ना इतना ज़्यादा हैवी हो गया था ना, कुछ मन नहीं करता। तो गर्मी चल रही है ना, तो इतना ज़्यादा ऑयली हो जाता है ना कि कुछ मतलब और कुछ करने का मन ही नहीं, तो बस आलसी आलसी खाते रहे हम लोग। और बस इधर बैठे उधर बैठे मोबाइल चलाए, मूवी वूवी देखे और घर फ़ोन किए, माँ लोगों से बातें किए, तो बस ये सब करते करते दिन निकल गया। और हमारे यहाँ तो मतलब हमने तो छोटी मोटा ही कुछ करा है, पर ना हमारे गांव में मतलब हमारे ससुराल साइड में बहुत अच्छे से प्रोग्राम होता है, अष्टमी का नौमी का दोनों का ही बहुत अच्छे से होता है। मतलब हमारे कुल देवी मंदिर में जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ होती, वहाँ खाना बनता है, वहाँ खाते हैं, खूब अच्छे से पूजा वगैरह होती है। माँ लोग गए थे, माँ पापा पूजा कराए थे, हम लोग तो यहाँ पे छोटी मोटी सी ऐसी पूजा कर ली है जो डेली रूटीन में करते हैं वैसी कर ली है। बाकी वो लोग तो गए थे कुल देवी के मंदिर पूजा वगैरह करके आ गए हैं, अब वो लोग करके आ जाइए हम लोग कर ले, बात तो एक ही है ना यार, वो लोग करें हम लोग करें। बस भावनाएँ होनी चाहिए, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, ऐसे इन चीज़ों के नहीं होते कि हाँ मेरे लिए ये करो वो करो। वैसे भी लॉकडाउन, वैसे तो हम लोग का था लॉकडाउन नहीं लगता था, हम लोग का जाने का था कि हम लोग घर जाने वाले थे, बट ये सब चल रहा है ना कोविड इतना ज़्यादा, तो पापा लोग भी फिर मना कर दिए और फिर हनी भी मना कर दी कि नहीं यार अभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ती जा रही है यहाँ पे भी, तो हम लोग नहीं गए। और हमारी कॉलोनी में भी ना बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ गई है, और पहले से ही मतलब ऐसा तो कोई निकलता नहीं था, बट ना अभी भी कोई निकल नहीं रहा है। और अभी तो हमारी कॉलोनी में भी 3-4 केसेस आ गए हैं, तो और ज़्यादा डर जो होता है ना वो लगने लग गया है। अब क्या करें यार, सिचुएशन ही ऐसी है, अभी तो ये लगता है ना घर से बाहर निकलो ही मत तो ही अच्छा है। वैसे भी कोई घर से बाहर नहीं निकलते हैं, फिर भी डर तो रहता ही है एक तरीके का। तो चलो, और मेरे बाल ना आज अजीब गरीब से कुछ दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने कंडीशनर नहीं किया और मैंने ऐसे ही ना बना लिए हैं। मैंने कहा भी चलो शाम हो गई है, शाम में ऑयलिंग वगैरह कर लूँगी आज, तो मैंने कल ऑयलिंग करना था क्योंकि आज मुझे बाल धुलने थे, बट आज नौमी भी थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि बाल धो लेती हूँ, धोने का कुछ था नहीं, बट फिर मैंने सोचा यार चलो नौमी है तो धो लेती हूँ, तो मैंने बाल वाल धो लिए हैं। और अच्छे दिख रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि भंगार एकदम, तो दिख तो रहे भंगार टाइप की, पर ठीक है चलता है। तो चलो अभी ना हम जूस बना लेते हैं, और ये इन्होंने जो यहाँ पर इतना बड़ा बिखेरा है ना उसको समेट लूँ और फिर जूस बना लेते हैं, पी लेते हैं जूस, क्योंकि ना अभी सुख जब से ना खाना खाने के बाद से कुछ भी नहीं, सिंगल पानी भी नहीं पिया हुआ है। मतलब उठ के आए इतना आलस खा रहे थे ना कि उधर से उधर उठने में भी नहीं आ रहा, तो वहाँ जो बॉटल लगी थी उसका ही पानी पी के ख़त्म कर दिए हैं। और यहाँ पर हमारे ऑरेंज भी रेडी हो गए हैं जूस बनाने के लिए, तो चलो मैं पहले जूस बना लेती हूँ। बन चुका है, इनको इनका जूस दे दिया है और मेरा वाला जूस बचा है, तो मैं बाहर जाते जाऊँगी बाहर गैलरी में घूमते घूमते पीऊँगी, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी हो रही है। तो हमारा जूस भी ऑरेंज का रेडी हो गया है, ये रहा हमारा जूस। नीचे रखो, नीचे ही रखा है। किस किस का ऑरेंज फेवरेट है मुझे बताना कमेंट करके। जो हम लोग जूस दूध लेते दूध पीती हूँ ना, तो जूस मैं आज ही पी रही हूँ, वरना मैं सिर्फ इनके लिए बनाती हूँ, बट आज ये बोले आज एक्चुअली ना मैंने खीर बनाई थी ना, तो खीर में दूध सारा ख़त्म हो गया, तो मेरा दूध नहीं था ली, तुम एक काम करो तुम ना आज वो पी लो, जूस ही पी लो, तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा। मेरी आदत हो गई ना अभी शाम को भी दूध पीने की, तो ऐसी आदत हो गई है ना, मैं बॉर्नविटा वाला दूध पीती हूँ तो मेरी आदत हो गई है, तो पिए मेरा मन नहीं लगता उसको।
तो यहाँ पे बात ही कर रहे हैं। ये देखो अभी तो ये बात कर, पता नहीं किसी का फोन आया तो बातें कर रहे हैं। बाहर बोले कि चलो घूमेंगे थोड़ी देर, और खुद का फोन आ जाता है, फोन में बिजी हो जाते, बस घूमना मुझे अकेले ही पड़ता है। और मैं आज आपको दिखाऊँ एक मेरा वाला प्लांट है ना, उसमें छोटू सा फ्लावर्स भी आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना फ्लावर। अभी एक ही आया हुआ नहीं तो इधर भी आ जा, सॉरी हाथ नहीं दिखाना चाहिए, इधर भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है, तो बहुत अच्छा दिखता है। और ये वाला ना टूट गया था तो मैंने ना यहाँ मिट्टी डाल के इसमें इसको अच्छे से गड़ा दिया कि कभी अगर ये हो गया ना तो जड़ पकड़ लिया तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, बाकी कोई बात नहीं है। बाकी ये तो बहुत अच्छा है और इसमें फ्लावर्स भी बहुत अच्छे से आ गए हैं, तो ये देखो। और इधर ये वाला जो प्लांट है ना, ये तो थोड़ा सा सूख ही गया है, पता नहीं क्या हो, सूख गया है, मुझे पता नहीं है, आप लोग मुझे बताना ना कि इसमें क्या डालें कि ये थोड़े अच्छे और अच्छे हो जाए। यार पता नहीं क्यों हो गया ऐसा। यहाँ पर मैं अभी बाहर घूम रही थी, मतलब अंधेरा हो गया था ना तो मैं घूम रही थी, तो मैं सोची कि चलो मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा अपना ड्रेस का पूरा लुक दिखा दूंगी। बट यहाँ पे ना लाइटिंग बहुत ज़्यादा ब्लर है और बहुत अंधेरा हो गया था ना, तो प्रॉपर नहीं दिख रहा था, वो किसी और ब्लॉग में आप लोगों को दिखा दूंगी अपने ड्रेस। तो चलो अभी वाला मैं वीडियो यहीं पर एंड भी करती हूँ, और आप लोगों से अब मिलूँगी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। अगर आज वाला मेरा ये छोटा सा वीडियो ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।